जो बजाज कंपनी है ना, तो उनके तरफ से अभी के डेट में अगर पूछोगे कि फुल फेयरिंग वाला बाइक कौन सा है, तो वो एक ही नाम हर एक लोग लेना शुरू कर देगा, जो कि है RS 200। लेकिन अभी अभी एक न्यू रेंडर सामने आया है जो कि है बजाज का ही 900 सीसी वाला बाइक, मतलब कि बजाज का ही एक न्यू फुल फेयरिंग वाला एक 900 सीसी वाला सुपर बाइक के बारे में। और इसी 900 सीसी वाले जो सुपर बाइक है ना, तो इसका भी नाम अभी सामने आ चुका है, जो कि है पल्सर 900 RR। तो इसी 900 RR के ही जो कुछ डिटेल्स है, मतलब कुछ जो है, तो वो भी सामने आ चुका है, जो कि बताने वाला हूँ अभी इसी वीडियो के अंदर आपको। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूँ अंकुन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुन ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो अभी हाल ही में आए हुए कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के ही अकॉर्डिंग ये जो बजाज कंपनी है, तो इनके भी तरफ से आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाले हैं इसी इंडियन मार्केट में भी, और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में भी एक न्यू चीज के बारे में अनाउंस करते हुए, जो कि है एक फुल फेयरिंग वाला 900 सीसी वाला एक सुपर बाइक। और ये जो सुपर बाइक है, तो इसके ही बारे में अभी हाल ही में कुछ न्यू रेंडर भी सामने आए हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये जो न्यू सुपर बाइक अभी आने वाला है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है पहला तो एक न्यू फ्रेश लुक, जो कि फुल फेयरिंग के कैटेगरी के अंदर होने वाला है। और उसके अलावा ये जो बाइक का जो लुक आप लोग देख रहे हो, मतलब जिस टाइप का जो लुक है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा एक एग्रेसिव वाला लुक है। और बाकी इसी न्यू फ्रेश लुक के भी साथ साथ इसी बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक न्यू 900 सीसी वाला इंजन। और ये वाला जो इंजन है ना, तो ये इंस्पायर्ड एक इंजन होने वाला है ड्यूक 890 से, मतलब की जो KTM ड्यूक या फिर कह सकते हो जो सुपर बाइक है KTM का, मतलब 890 सीसी या फिर 900 सीसी कैटेगरी के ही अंदर, तो उससे ही कुछ मिलता जुलता या फिर उससे ही कुछ मतलब इंस्पायर्ड एक इंजन टेक्नोलॉजी इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मतलब कि इस वाले बाइक के अंदर आपको फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा कुछ पावर्स देखने को मिलने वाले होंगे। और उसके ही साथ साथ इसी वाले बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा ये 900 सीसी कैटेगरी के ही अंदर, तो वो होने वाला है ट्विन सिलेंडर बेस्ड एक लिक्विड कूल DOEC वाला इंजन, जिसके अंदर अभी के डेट में जो मतलब बताया जा रहा है जो पावर जो एक्सपेक्टेड जो है मतलब जो रह सकता है, तो वो है 108 BHP वाला। और इसके अंदर आपको जो टॉर्क देखने को मिल सकता है, तो वो है 90 Nm। और बाकी इस वाले बाइक के अंदर आपको तो देखने को मिलेगा ही 6 का गियर बॉक्स। और उसके ही साथ साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट स्लीपर क्लच वाला भी सपोर्ट। और उसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा सामने ड्यूल डिस्क, और उसके ही साथ साथ पीछे तो एक सिंगल डीसी होंगे, लेकिन इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा ड्यूल चैनल ABS का भी सपोर्ट। और उसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिल सकता है एक जो स्विचेबल ABS वाला जो ऑप्शन है, तो उसका भी सपोर्ट। और बाकी इस वाले बाइक के अंदर आपको जितना भी जो भी कुछ लाइट्स देखने को मिलेंगे, तो अभी के डेट में तो कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सारा का सारा ही आपको LED के अंदर देखने को मिलेंगे। और सामने आपको प्रोजेक्टर लाइट भी देखने को मिल सकता है। और उसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा जो कि है क्लिप ऑन हैंडल बार। और बाकी इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा सामने USD फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, तो ये भी अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये भी फुल्ली डिजिटल वाला मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस वाले बाइक का जो बॉडी फ्रेम देखने को मिलेगा, तो वो है पेरीमीटर फ्रेम, लेकिन एक अपडेटेड वाला। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।